know, this whole move towards having a mix of contemporary and traditional seeped in values kind of concept. I think it is the need of our need of the hour in terms of what television content and television channels should be. So this move itself will bring in new programming, perhaps a little more edgy also, as Puneetan, we always keep discussing, more fun, more vibrant. And everybody here in ANTV, including myself, all the employees here, I promise you that we'll make sure that we make you watch this new channel, make you enjoy and be entertained more than Zee has already done. So thank you very much, everyone, and thank you for a warm welcome. तो ये चैनल लॉन्च होगा मार्च में. एग्जैक्ट डेट अभी हम बता नहीं रहे हैं. 24 तारीख को ऑन एयर दिखेगी वो डेट कब ये लॉन्च होगा एग्जैक्टली. इसकी टारगेट ऑडियंस, जैसे कि राजेश ने बताया, इज द मॉडर्न इंडिया, कंटेम्प्रेरी इंडिया. इसमें कहानियाँ थोड़ी, एज शाहरुख भी बता रहे थे, एजी होंगी. हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हम ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म, जी जैसे ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश की है. शाने का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ, फिर तुम पूछो कि शाना कौन. हमारा जो शाने का कॉन्सेप्ट, मैंने जब बताया कि ऐसा नहीं है कि जो कान पट्टी पे देता है, ऐसा सब नहीं. सिर्फ द आइडिया इज यस, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, यू हैव टू बी स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, जो शाना है वो कॉन्टेक्स्ट में है. लेकिन दूसरी बात जो मुझे सारी क्रिएटिव टीम, एन की क्रिएटिव टीम और बिग सिनर्जी की टीम ने बताया है, वो ये है जो शान से जीते हैं, शान से बात करते हैं और शान से मानते हैं कि उनको सब कुछ जानते हैं. और अगर नहीं भी जानते, जैसे मैंने कहा, फिर भी मानते हैं कि सब कुछ जानते हैं. एंड ये जो शो है, इसके अंदर सारी शान पट्टी दोनों तरफ से है. एकदम कॉमनर्स, जैसे आपने देखे थे स्क्रीन के ऊपर आकर, कॉमन सा सवाल पूछते हैं, एकदम आम आदमी वाला सवाल पूछते हैं. और जो जवाब दे रहा है वो भी आम आदमी है, या चीटर है जो सूजी वाली चीटिंग की थी अभी, ऐसा है. बट द होल आइडिया इज दैट शाना इज फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शानदार एंड शान से. So, शान से तो बस मैं हूँ. तो सबसे पहले जो आपने पूछा कि नया चैनल लाने की क्या ज़रूरत है, इसी कंटेंट को आप जी पे क्यों नहीं दिखा सकते. मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये नए ज़माने का चैनल है. मैं ये कहता हूँ कि ये कुछ लोग जिनकी सोच अलग है उनके लिए चैनल है. इसमें जो एजी कंटेंट हम बात करें, आपने देखा बेगूसराय जैसे शो है, मुझे नहीं लगता कि वो जी पे चलेगा, बट मुझे लगता है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर चलेगा, क्योंकि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे. जी के साथ एक ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसका, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करना इज मोर डिफिकल्ट देन टू क्रिएट अ न्यू प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. हमने ये सारा कंटेंट जितना आपने देखा और भी ज़्यादा, हमने सब रिसर्च किया है, मार्केट्स में जा जा के बहुत एक्सटेंसिवली रिसर्च किया है, उसके बाद ही डिसीजन लिया इसको लॉन्च करके. Yeah, it does actually. It is for Sabse Shana Kaun. Yeah, that's what I think. The designing all the brooches and crests. I like this whole idea of crests, so I think they're designing clothes with crests on them for me. For the Amuman, you know, obviously shows the sports 100%, news 100%. In terms of shows, main zyada Western television dekhta hu main. So House of Cards, yeah, abhi jo maine naya dekha hai Fargo, ek film ke upar based hai. द रीज़न ऑल्सो बींग कि वो अभी साथ में मिलता है तो मैं शूटिंग पे देख सकता हूँ. वो घर के अंदर बैठ कर रेगुलरली देखना आई थिंक थोड़ा मुश्किल भी होता है. सो सम ऑफ द चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स आई सी अर्लियर बट नॉट वेरी मेनी. इट्स अ ग्राफिक नॉवल, एक्चुअली मूवी नहीं है. एक जिन्होंने बनाई है बहुत खूबसूरत, एक मिथोलॉजिकल हिस्टोरिकल टाइप उन्होंने कैरेक्टर बनाया था अथर्वा, और आई थिंक उसका ट्रेलर उन्होंने बनाया है. मे बी उनके दिमाग में ऐसा है कि वो कॉमिक लोगों को पसंद आएगी, लेकिन उसका आर्ट वर्क और उसमें जो इमेजेस है मेरे पास है वो एक्चुअली पूरी कॉमिक ग्राफिक नॉवल है. जैसे हाँ, इट्स मतलब ग्राफिक कॉमिक है सारा, जैसे कॉमिक बुक्स होती हैं, बट थोड़ा सा जो उसका कॉन्टेंट है बहुत इंटेंस है. हाँ, वेरी नाइस, इट्स ब्यूटिफुली डन. वो जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो राइटर्स हैं, सुपर्ब है. उसका शायद उन्होंने ट्रेलर इसलिए बनाया है टू इन्वोक इंटरेस्ट, लेकिन आई थिंक फिल्म की कोई बात नहीं.